इंडिया के पास आप देखें नागालैंड है, भोजपुरी है, हरियाणा, पंजाब, अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, आसाम में बंगाली रहते हैं, क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है। इवन मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन। और इंडिया ने बार बार दोहराया कि इट वांट्स टू बिकम द वॉइस ऑफ द ग्लोबल साउथ, यानी सारा अफ्रीका, सारा लैटिन अमेरिका इंडिया की तरफ देख रहा है, इंडिया उनका किबला बना हुआ है करंटली दिस ईयर। हाइड्रोजन ट्रेन आफ्टर चाइना, चाइना के बाद इंडिया बना रहा सर, सर इतनी बड़ी अचीवमेंट है सर। अभी इंडिया इज अबाउट 3.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, आइंदा 15-20 साल में इट कुड हिट 30 ट्रिलियन। हाइड्रोजन में ट्रेन बनाया है तो उनके पास ये एबिलिटी है तो उन्होंने बनाया है। क्या बात कर दी सर आपने, ठीक है। पाकिस्तान का जो रेलवे सिस्टम है वो बहुत ही नाजुक सूरत हाल है, जिसे कहा जाता है बहुत ही नाजुक सूरत हाल है। सर उनके पास वंदे भारत ट्रेन है, उनके पास बुलेट ट्रेन है सर, उनके पास अंडर वाटर ट्रेन है सर, इतनी ट्रेन है। ऑयल की शॉर्टेज होने की वजह से सिर्फ कुछ ही दिन का ऑयल रह गया और पाकिस्तान की जो रेलवे है वो शट डाउन हो जाएगी। अगर हमने ये दोगली पॉलिसी बंद ना की और हम ये जो मुजाहिदीन बेचते हैं ये बंद करें, हमारे कंट्रोल में चीजें होनी चाहिए। तो पिछले 8 महीनों में हमने सब कुछ बेच दिया है, तो फिर ये ट्रेन क्या चीज है? बांग्लादेश भी पाकिस्तान ही था। बांग्लादेश आज आर्मी को 400 अरब बजट दे रहा है, एजुकेशन को 800 अरब बजट दे रहा है। हम आर्मी को 1600 अरब बजट दे रहे हैं, एजुकेशन को हम 8 अरब बजट दे रहे हैं। आज क्या सूरत हाल है कि आज 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 वो हम टूरिज्म से टेररिज्म पे चले गए हैं। एंड वेयर फॉर द मोमेंट जब तालिबान और इंडिया मिल के पाकिस्तान को जो है वो एक टफ टाइम देंगे और हम जो है वो उसको हमें समझ नहीं आएगी कि हमने करना क्या है। रेलवे सिस्टम अगर बंद हो गया तो काफी नुकसान का सामना होगा। 6 से 8 महीने पहले मैंने सुना था कि टेक्सटाइल मिल्स जो है वो बंद हो गए। आप रेलवे को रो रही हैं, यहाँ हर चीज बंद हो गई है। डॉक्टर, इस वक्त आप इंडिया से बात नहीं कर सकते, हालांकि एक अच्छा कंड्यूसिव एनवायरनमेंट जनरेट करना चाहिए। इंटरनेशनल कम्युनिटी भी साइलेंट है, कोई दुनिया में अहम पार्टनर सामने नहीं आएगा। इस वक्त अगर इंडिया को टेबल पे लेके आ सकता है या आप कोई कंसेशंस ले सकते हैं तो मुस्लिम ममालिक के जरिए इंडिया से ले सकते हैं। दोस्तों, हमारी रेलवे में एक नया एड ऑन हुआ है और वो ये है कि हमारी ट्रेन अब हाइड्रोजन पावर में चलने लगेगी, जिससे कि एयर पोल्यूशन कम होगा और भारत बिजली की भी बचत कर पाएगा। लेकिन अब बस इस टेक्नोलॉजी से भारत दुनिया का दूसरा देश बन जाएगा हाइड्रोजन ट्रेन्स का। इसके पहले ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास थी और अब भारत भी इसी चीज का यूज करने जा रहा है। अगर हम दूसरी तरफ देखें तो इस वक्त पाकिस्तान के रेलवे की काफी बुरी हालत बन चुकी है, जहां पाकिस्तान अपने रेलवे को पूरी तरह से बंद करने जा रहा है क्योंकि उन ट्रेन्स को चलाने के लिए पाकिस्तान के पास पैसे नहीं बचे हैं और बची कुची कसर चाइना ने उतार दी है, क्योंकि पाकिस्तान चाइना से अपने रेलवे डिब्बे इंपोर्ट करता था और चाइना हमेशा की तरह पाकिस्तान के साथ धोखाधड़ी करते हुए सारे सस्ते दामों के मटेरियल को लगाए हैं, जिससे कि पाकिस्तान के रेलवे डिब्बे चलने लायक नहीं है, जिसके वजह से पाकिस्तान से खरीदे हुए रेलवे डिब्बे को पाकिस्तान इस्तेमाल भी नहीं कर पा रहा है। तो चलिए दोस्तों, इसी पर पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। अच्छा साइम, आज हम आपसे डिस्कशन करना चाह रहे हैं, इस वक्त बलोचिस्तान में कहा जा रहा है कि पाकिस्तान और चाइना के मुश्तरका सूबों को लेकर फूट पड़ गई है और बलोचिस्तान पाकिस्तान के लिए सर दर्द बन गया है, क्या कहेंगे आप इस सारे मामले पर? हाँ, सरदर्द बन गया है, काफ़ी सारे मतलब प्रोटेस्ट भी हो रहे हैं बलूचिस्तान में, थ्रू आउट बलूचिस्तान इस तरह के लार्ज स्केल पे जो प्रोटेस्ट हैं ये पहली बार हुए हैं। उसके बाद दहशतगर्दी भी बढ़ रही है, क्वेटा में रिसेंटली एक दिन में 20 धमाके हुए हैं और वो मेन स्ट्रीम मीडिया पे कवरेज नहीं मिल रही, तो बलूचिस्तान में काफ़ी अनरेस्ट है। ठीक, क्या वजह नज़र आती है आपको इन सब की? कोई भी बंदा, अगर कोई भी एक ग्रुप है, वो प्रोटेस्ट इसलिए करता है कि उनको बेसिक राइट्स चाहिए, ठीक है, और ग्रेजुअली जब वो बेसिक राइट्स नहीं मिलते, जब स्टेट उनकी बात नहीं सुनती, तो वो हथियार उठाना शुरू कर देते हैं। वो कहते हैं इस तरह हमारी बात नहीं मानी जाएगी, तो ये रीज़न है। उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही, एजुकेशन हो गया, हेल्थ हो गई, ठीक है। आप देखें, बलूचिस्तान इज़ वेरी रिच इन मिनरल्स, ठीक है, फिर भी उनके जो आम सिटीजन्स हैं उनको बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिल रही। पंजाब से बलूचिस्तान बहुत ही पीछे है, ठीक है, इस वजह से जब उनके स्टूडेंट यहाँ पे आके पढ़ते हैं और इनका इंफ्रास्ट्रक्चर देखते हैं तो ऑब्वियसली उनके अंदर एक बगावत आती है कि हमारे ही सूबे से आप मिनरल रिसोर्स एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और हमें आप बेसिक फैसिलिटीज ने प्रोवाइड नहीं कर रहे हैं। सही। कहा जा रहा है कि इंडिया बलूचिस्तान को उकसा रहा है ये सब करने के लिए। उनका कुलभूषण यादव का केस सामने है, तो थोड़ा बहुत या लार्ज स्केल पे या थोड़े स्केल पे वो तो करता ही है, ठीक है, पाकिस्तान भी करता है, इंडिया भी करता है। मुशर्रफ ने भी बहुत बड़े इंटरव्यू में कहा था कि वी डू सपोर्ट डिफरेंट ग्रुप्स, तो उनके बेस इंटरेस्ट में है कि अगर पाकिस्तान कंसोलिडेट हो जाता है
नहीं डिवाइड हो जाता है तो उनके इंटरेस्ट में है कि यार उनको एक जो बहुत बड़ा खतरा है टेररिज्म का वो खत्म हो जाएगा, तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत वो कर रहे होंगे। मौलाना हदायत रहमान की तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है कि यहाँ से जितने भी चाइनीज हैं उन्हें निकाल दिया जाए वरना हम जो है हथियार उठाने पर मजबूर हो जाएंगे, हमारे मुतालबात को पूरा किया जाए। क्या कहेंगे आप उनकी स्टेटमेंट के हवाले से? ये इस तरह होता है कि जब आप बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं करते, जैसे कि वहाँ पे माहीगीर थे लोग जो मछली का शिकार करते थे, उनका लाइसेंस ख़त्म कर दिया गया, उनको उनका शिकार करने से रोक दिया गया जो कि उनकी बहुत नस्ल दर नस्ल चल रहा था। और जब ये इस तरह होता है तो अगली जो एक मिनार्टी होती है वो जो कि इन्वेस्टर आते हैं उनको एज अ दुश्मन कंसीडर करती है कि ये हमारे एनमी हैं और हम इनको अब कबले कबूल नहीं करेंगे। फिर चाहे आप बेसिक फैसिलिटीज़ दो या ना दो, वो एक इमेज बन जाता है कि ये हमारे दुश्मन हैं और इनको हम निकालेंगे, ये सीन बनता है। क्या वजह पाकिस्तान बलूचिस्तान को उनके राइट क्यों नहीं दे रहा? इस बात पे मेरी मतलब रेंजर के वो बंदे आए हुए थे 1000 बंदे कराची से इस्लामाबाद में, तो मेरी उनसे तफसीली गुफ्तगु हुई। यार हर पार्टी दूसरे पे ब्लेम कर रही है, मैंने उनसे कन्वर्सेट करा कि यार आप बलूचिस्तान के लोगों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर रहे, तो वो तो असला उठाएंगे ऑब्वियसली, और जब वो असला उठाते हैं और अपने हकूक डिमांड करते हैं तो आप उनको क्रश करते हो गन्स करके और उनके खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशंस करके, तो ये बात तो ठीक ना हुई। अब देखें आर्मी इस चीज़ को किस तरह डिफेंड करती है। आर्मी कहती है देखो हमारा काम है स्टेट की सिक्योरिटी की हिफाजत करना, जो भी बंदा है जो असला उठाएगा ग्रुप उठाएगा और एंटी स्टेट हो जाएगा हमने उनको ख़त्म करना है, चाहे वो पश्तून हो चाहे वो बलूचिस्तान के लोग हों। बात आती है बेसिक फैसिलिटीज़ की, मैंने कहा फिर आप उनको बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो, ऑब्वियसली दुश्मन को जो आप इंडिया को ब्लेम करते हो दुश्मन को मौका ही ना दो, आप इतने फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करो कि वो इस चीज़ को इस एहसास से महरूमी को कैश ना कर पाएँ। तो उसमें वो कहते हैं जी ये सियासतदानों का काम है, जो बलूचिस्तान के इलेक्टेड बंदे हैं बलूचिस्तान की आवाम उनके पास जाए वोट उन्हीं को देती है आर्मी को थोड़ी देती है, बजट भी उन्हीं को जाता है जो कि MNAs हैं, ठीक है जो लोकल गवर्नमेंट बॉडी है उनसे जाके वो वसाइल डिमांड नहीं करते, हथियार उठा के जो है ये काम करते हैं, तो ये सही नहीं है। कहा जा रहा है कि पहले अफगानिस्तान को और अब बलूचिस्तान को इंडिया जो है वो हमारे खिलाफ कर रहा है, जो उनके राइट्स हैं जो उनकी डिमांड्स हैं वो बेसिक हैं वो ट्रूथ पे मबनी हैं वो रियलिस्टिक हैं, हम ऐसी चीज़ प्रोवाइड ही ना करें कि अगला दुश्मन कंट्री उसको इनकैश करे, हम अपना मुल्क खुद ठीक करें, ठीक हो गया उसके बाद दुश्मन को जितना भी उकसाना चाहे वो उकसा नहीं पाएगा। जैसे कि खालिस्तान का इशू है तो हमारे काफ़ी सारे लोग कहते हैं जी सिखों को अलग इनका वो होना चाहिए, मगर अगर आप देखें ना मेंटेलिटी जो इंडिया में रहते हैं वो फिर भी कहते हैं यार हम वी आर वेरी प्राउड टू बी एन इंडियन, हम इनके साथ ठीक हैं। जो बाहर के लोग हैं जैसे कनाडा में तो वो कहते हैं जी खालिस्तान बने, तो इंडिया ने सिखों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की हैं हमने बलूचिस्तान को नहीं दी, इसलिए वो ये चीज़ें डिमांड कर रहे हैं। क्या आपको लगता है कि अनकरीब बलूचिस्तान पाकिस्तान से अलग हो जाएगा? जब जनरल याह्या खान का इंटरव्यू किया गया ना कि हाउ इज़ द कंडीशन इन ईस्ट पाकिस्तान, उसने कहा परफेक्टली वेल फाइन, उसके कम से कम एक हफ्ते बाद जो है बांग्लादेश टूट गया, तो ये धोखे में रख रहे हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया पे सेंसर करा जाता है, हालांकि हालात बहुत बिगड़ चुके हैं, TTP की स्ट्रेंथ जो है 40-50 हज़ार है उसके साथ, ये उसको मिलिट्री के तौर पे क्रश नहीं कर रहे हैं नेगोशिएशन कर रहे हैं, रियासत इतनी कमज़ोर हो गई है कि दुश्मनों के साथ जिन्होंने APS अटैक करा था दुश्मनों को तो मारा जाता है मगर ये उनके साथ नेगोशिएशन चला रहे हैं क्यों? अच्छा एक और भी कंसेप्ट मैं क्लियर करूँ, हमारे यहाँ रियासत का कंसेप्ट पता क्या है, रियासत को बचाना है, ठीक है चाहे उसके लिए आप बंदे शहीद करो उसके लिए लोगों को मारो वसाइल लूटो, रियासत महफूज रहे, हालांकि रियासत का ये काम हरगिज़ नहीं था, रियासतें बनती हैं आम शहरियों को बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने के लिए। बंगालियों ने जब अपने हकूक मांगे इन्होंने कहा बांग्लादेश को मार दो रियासत बची रहे, रियासत नहीं टूटनी चाहिए, रियासत टूट गई। अब भी बलूचिस्तान के लोग डिमांड कर रहे हैं बेसिक फैसिलिटीज़, ये कहते हैं नहीं रियासत इज़ सुपीरियर टूवर्ड्स ऑल द बेसिक फैसिलिटीज़ ऑफ सिटीजन्स, रियासत को बचाओ चाहे लोगों को आम नागरिक को कोई फैसिलिटी मिले ही ना, तो ये कंसेप्ट बिल्कुल सही नहीं है, ये हमारी आम आवाम को जो है धोखे में रखा गया है। इंडिया किस तरह अपने सारे सूबों को एक साथ लेकर चल रहा है, पाकिस्तान से कुछ ही नहीं संभाले जा रहे। इंडिया के पास आप देखें नागालैंड है भोजपुरी है हरियाणा पंजाब अरुणाचल प्रदेश, ठीक है आसाम में बंगाली रहते हैं क्रिश्चियन हिंदू मुस्लिम सिख इतने सारे मतलब सेक्ट्स और रिलीजन्स हैं, फिर भी वो लोग 70 साल हो गए यूनाइटेड हैं, ठीक है इवन मुस्लिम इंडियंस आर प्राउड टू बी इंडियन, वो कहते हैं हमें पाकिस्तान की कोई ज़रूरत नहीं है हम यहाँ पे परफेक्टली ठीक हैं, कम से कम आप लोग मुझसे तो ठीक ही हैं, असदुद्दीन ओवैसी का भी बयान आया हुआ था। तो यार उन्होंने बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करी हैं, उन्होंने नेशनलिज्म को ऊपर किया, नेशनलिज्म के अम्ब्रेला के नीचे सारे लोग मुतहद हैं। पाकिस्तान में क्या हुआ था 1947 में कि जी हम इकट्ठे नहीं रह सकते, डिवीज़न हुई, फिर साबित हो गया कि यार मुस्लिम आइडेंटिटी के नीचे तो नहीं रह पाए, फिर बांग्लादेश टूट गया, अब वो बलूचिस्तान पश्तून वाला फैक्टर आ गया,
तो ये करते करते ये खा जाएगा, इस स्टेट को भी खा जाएगा जहां तक मुझे लगता है।